Vamos. ना जितना भी उठेगा कोई बात नहीं, जितना भी उठेगा उतना ये जो लेक्स एंड वाटर यू नो कंजर्वेशन डल लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी ने जो मुहिम कल से स्टार्ट की है जिसका नाम अथवास दिया गया है, मेरे ख्याल से बहुत ही टाइमली है। अगर आप देखेंगे इस साल कंपेरेटिवली बाकी पिछले कुछ सालों के कंपैरिजन में आजकल जो है डल इट लुक्स मच बेटर देन द पास्ट, और ये बहुत ज़रूरी है कि इसमें जो ये अथवास स्कीम इन्होंने इनिशिएट की है, क्योंकि डल तब तक साफ नहीं होगा जब तक लोगों का इसमें इन्वॉल्वमेंट ना हो, जितने भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे लेक वाटर कंजर्वेशन यू नो डल लेक वाटर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है इट इज़ वन ऑफ दिस मेन स्टेक होल्डर्स, बट जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं चाहे वो डल लेक कम्युनिटी है, चाहे स्टूडेंट्स है, चाहे यूनिवर्सिटीज़ है, मुझे लगता है कि इन सब को मिलजुल के डल को साफ करना होगा, और ये मेरे हिसाब से यू नो एक कंटिन्यूस प्रोसेस होनी चाहिए डल के लिए, डल लेक अथॉरिटीज़ के लिए, तभी हम जो है मेरे ख्याल में ये, क्योंकि एक बहुत बड़ा मिशन है और बहुत बड़ा काम है जिसमें यू नो एक एजेंसी जो है यू नो दे कैन नॉट डू जस्टिस विद इट, सो इट इज़ देयरफॉर वेरी टाइमली एंड अप्रिशिएबल दैट द लेक कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ टेकन दिस इनिशिएटिव। मैं स्टूडेंट एसपी कॉलेज से हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं आज क्लीनर ड्राइव हो रही है डल में, कि जो अंडर द अथॉरिटी ऑफ LCMA के अंडर आ रही है, जैसा कि आप देख सकते हैं अभी भी क्लीनेस हो रही है। LCMA डिपार्टमेंट मुझे लगता है बहुत अच्छा काम कर रहा है डल को क्लीन करने के लिए, और आप देख सकते हैं कि अभी भी ये क्लीन हो रही है, और मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही काम चलता रहा और भी वॉलेंटियर्स इसमें हेल्प करें तो फ्यूचर में ये बिल्कुल जैसी थी वो क्लीन हो सकती है हमारी डल, तो ये बहुत ज़रूरी है कि और भी मेंबर्स आए, मुझे लगता है ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको क्लीन करें।